आज चौधरी ताहिर हुसैन पुत्र चौधरी जाकिर हुसैन ने अपना नामांकन एनएलओ पार्टी की ओर से दर्ज किया। नामांकन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लगता है नूह का चक्का ही जाम कर दिया। चौधरी ताहिर हुसैन और चौधरी आफताब के बीच में ये चुनाव बहुत ही ज़बरदस्त होगा। चौधरी ताहिर हुसैन के पिता जो चौधरी जाकिर हुसैन है, बहुत ही बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। खुद का टिकट कटने के बाद में खुद ने चुनाव नहीं लड़ा, बीजेपी से इनका टिकट कट गया। अपने पुत्र ताहिर हुसैन को इनेलो पार्टी से टिकट दिलाकर मैदान में उतारा है। और इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी आज, बहुत ज़्यादा भीड़ थी आफताब और चौधरी ताहिर हुसैन के बीच। जो ये चुनाव होगा किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है पूरा चक्का जाम जिसको कहते हैं वो हो गया था। ऐसी भीड़ चौधरी आफताब के बीच में थी। तो अब सुने आप, अपनी नामांकन सभा के बीच जब अभय चौटाला आए तो उन्होंने क्या कहा। ये नामांकन के दौरान अभय चौटाला जी उपस्थित रहे और नामांकन सभा में उन्होंने अपना भाषण दिया और कहा कि इनको चंडीगढ़ जीता कर भेजो, हमारी सरकार बनेगी। ये कहा उन्होंने, अब आप सुनिए क्या कहा था। संख्या में जश्न के बदन को दबाने का काम करें ताकि आपका साथी, आपका भाई तारिक हुसैन हैदराबाद के विधानसभा में भागे और आए हुए समय में कैबिनेट मंत्री बन के आप लोगों के बीच में आए। आदित्य जी ने तो वो हमारे बीच में आए हैं, मैं बात को कहना करता हूँ। और मेरे साथ चौधरी फजल हुसैन साहब, चौधरी कला मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद कला एडवोकेट साहब, चौधरी आबिद हुसैन जी आदि आदित्य जी ने तो वो हमारे बीच में आए हैं, मैं बात को कहना करता हूँ। मेरे साथ चौधरी फजल हुसैन साहब, चौधरी कला मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद कला एडवोकेट साहब, चौधरी आबिद हुसैन जी आदि सोहराब जी, इब्राहिम पहलवान जी, कर्जा पप्पू, सरदार जसवीर जी, बड़ी सरदार जीतू मलिक साहब, और मैं किस किस का नाम लू, यहाँ पर एक से एक शख्सियत है जो मुझे आशीर्वाद देने आई है, प्यार देने आई है। मेरी वालिदा भी यहाँ मौजूद है और मेरी चाची भी आई है, मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और मेरा भाई तारिक भी, तारिक कहाँ है, हमारे परिवार से हमेशा ही बहुत ही विशेष लगाव रहा है, बहुत प्यार रहा है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। मरहूम काजी मोहम्मद यासीन खान साहब के जमाने से ही मेवात ने बहुत प्यार किया है। मरहूम तारिक हुसैन साहब को भी आपने बहुत प्यार रखा और तारिक हुसैन साहब को भी आपने हमेशा बहुत प्यार दिया और हमारे परिवार ने हमेशा ही मेवात की सेवा के लिए छत्तीसगढ़ की सेवा करी। उसी प्यार के साथ हम वहां लगे रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे। मैंने कल एक शाम एक बात कही थी, नौजवान साथियों से कहा, मुझे भाई के डंडे से लेकर आए थे और जब लोगों तक पहुंचे थे शाम को 9 बजे, मैंने कहा कल बताऊंगा कि कल आपने एक दस्तक दी थी, एक चंडीगढ़ में मेरे नौजवान साथियों ने दस्तक दी थी कि विधानसभा के अंदर आपकी बात क्या होने वाला है, उसका आज आप लोगों ने जवाब दिया है। मेरे युवा साथियों ने आपने ऐसी वहां पर दस्तक दी है कि रास्ता खाली कर दो, आपकी बात